पारंपरिक राजपूती लिबास, सिर पे साफे पगड़ी और जुबा पर माँ भवानी की जय जय, राणा के जयकारों के स्वर तो हाथों में लहराते भगवा ध्वज। ये मनमोहक नजारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में दिखाई दिया। झुंझुनू के जिले बुहाना में करनी सेना बुहाना अध्यक्ष सोनू बुहाना के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सर्व समाजजनों ने भी सहभागिता निभाई। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा बाबा उमर सिंह छतरी से रवाना हुई। महाराणा प्रताप की बड़ी तस्वीर के साथ केसरिया पगड़ियों में समाज जन उपस्थित रहे। शोभा यात्रा बुहाने कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर मोटा एयर्ड धर्मशाला के पास हनुमान मंदिर परिसर पहुंची। भ्रमण के दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। गाँव के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, साथ ही शीतल पेय के इंतजाम किए गए। इसके बाद मोटायड धर्मशाला के पास सरपंच दशरथ सिंह की अध्यक्षता में सभा का आयोजन हुआ, जहां समाजजनों ने महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और शौर्य गाथा का बखान किया। लोगों ने प्रताप के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अतिथियों ने सभी समाज को एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश और समाज के विकास के लिए सभी कौमों को एक सूत्र में बंधना होगा, तभी हम सभी तरक्की की राहों पर आगे बढ़ सकेंगे।